मैं सीखने वाली हूँ बुलेट चलाना। चैनल सो कैसे हैं आप सब लोग, होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो 8 बजे से मैंने पढ़ा और अब लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं आ गई नीचे। तो चलो फिर अब बनाती हूँ लंच वगैरह। अचार डाल दिया वहाँ पर धूप में, और यहाँ पर ये सूख रहा है तेज पत्ता और ये दालचीनी। पहाड़ों में ना देखा खड़ा मसाला भी जो आप लोग मार्केट से लेते होंगे, मतलब बाहर के लोग ना तो मार्केट से ही लेते होंगे ऑब्वियसली, तो हमारे पहाड़ों में मतलब ऐसे घर में ही मिल जाता है वो, मतलब ऑर्गेनिक मिल जाता है। जैसे पेड़ होते हैं ना, इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं तेज पत्ते के, तो उसको तोड़ के फिर सुखाया जाता है। तो कुछ इस तरह से सूख रहे हैं, फिर ये मतलब एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा ये सूख के। तो चलो फिर अब मैं बनाती हूँ खाना, और आज बनने वाला है पहाड़ी सब्जी। मतलब इसमें कई चीज़ें मिक्स हैं, कद्दू के पत्ते और ये गाबा और ये मूली और शिमला मिर्च भी ऐड करा है मैंने इसमें। तो चलो फिर अब फटाफट से सब्जी बनाती हूँ और फिर जाके मिलती हूँ। तो अभी गाइज हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और अभी हमारी टूर है एक नई जगह जाने की, वो स्पेशल है, मैं अभी बताऊंगी नहीं, आप लोगों को सीधे दिखाऊंगी। तो चलो हस्बैंड जी जूते पहन रहे हैं और मैंने भी पहन दिए, चलो फिर। तो अभी गाइस हम लोग आए हैं इतनी प्यारी सी लोकेशन पे, अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्यों आए हैं, क्या रीजन है यहाँ पे आने का और ऐसे कपड़ों में। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में और बताते हैं। गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ पे, तो मैं सीखने वाली हूँ बुलेट चलाना, तो ये सिखाने वाले हैं। तो क्यों, क्या हुआ फिर? तो हाँ, तो अभी हम लोग सीखने वाले, मतलब हम लोग तो क्या, मैं सीखने वाली हूँ बुलेट चलाना। थोड़ा थोड़ा तो मुझे पहले से आता है, बट देखते हैं क्या रहता है इसे। हर जगह ना, यहाँ हर जगह मतलब हरी हरियाली हरियाली छाई हुई है, मतलब हर जगह हरी घास उगी हुई है। मैं ना सीखती हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा सा वैसे बैलेंस बनाना तो आता है, बट क्या है ना वो गियर और क्लच जो होता है उसका थोड़ा सा ऐसा है, मुझे पहले चला रखी है, बट देखते हैं अभी क्या सीन हो रहा है, मतलब क्या कंडीशन हो रही है मेरी। तो चलो फिर, ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे हस्बैंड जी। तो चलो कैसा लग रहा है, फिर सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी? सीख लूंगी। तो गाइस अभी ये सीख रहे हैं गाड़ी। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं। चलाते ना, और नीचे से ना, वहां से जो रोड दिख रही है ना, वो नीचे से
इस वाले पबदे वाली रोड, पबदे वाली रोड से मैं यहाँ जंगल सुनसान में पहुंच गई इधर। यार लेकिन बुलेट चलाने में ना क्या मजा है, क्यों सच में यार। कैसा कैसा लगा फिर आपको, मतलब अच्छा लगा नहीं? थोड़ा मर को थोड़ी मेरी मेरी कमियां बताओ तो। लो टाइम लगेगा थोड़ा, कल्ला चार ब्रेक का अंदाज नहीं आ रहा ना तुम्हें भी। हां 10 दिन में सीख जाओगे। तो यार मतलब ना फर्स्ट दिन, मतलब मैं पहले से चलाती थी बट ये है ना छूट गया, तो जो चीजें छूट गई फिर थोड़ा सा वो होता ही है ना। क्यों नहीं होता है? अब मैं अनट्रेन, अनट्रेन भी तो हूं ना। पहले कौन सा 10 दिन ही तो चलाया था, कौन सा 2-3 सालों से जो क्या चला रही थी। अब आज फर्स्ट दिन पकड़ी है तो होगा ही वैसा ही। एक हफ्ते में सिखा देता हूं। आपको मेरे को मोटिवेशन करना चाहिए। हाँ सीख जाएगी बढ़िया करके आप। हाँ ठीक है, गेरों का अंदाज आना चाहिए। तो तेरे को गेरों का अंदाज नहीं आ रहा ना? यहाँ से ना एक प्यारी सी लोकेशन दिखाई दे रही है नीचे की, तो ना यार आज मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओह गॉड क्या ही मजा आ गया। लेकिन ना देखो ना मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वहां से उस वाले कोने पे लेके गई मैं। कहाँ पे बताऊं, जो वहां पे है ना ये, यहाँ पे लेके गई, यहाँ से लेके लेके लेके। और यहाँ वाले मोड़ नहीं देखे अभी आपने, ये जो ये पहाड़ी है ना इसके आगे वाले मोड़ नहीं देखे। यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके वो आगे तक गए हम लोग। तो आज के लिए ना इतना बहुत है, मतलब धीरे धीरे एक ही दिन में चला के तो नहीं सीखा जाएगा। डेली डेली आऊँगी तो फिर सीख ही लूँगी। तो चलो फिर अब निकलते हैं घर को। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो हम लोग आए थे 1 बजे, 1 घंटा हो गया हमें। तो चलो फिर चल निकलते हैं घर के लिए। पता नहीं पैरों में दर्द हो रही है। एक तो परसों गाय ने पैर रखा था ना, उससे भी दर्द हो रही है। और थोड़ा सा भारी गाड़ी है ना वो, इस वजह से दर्द हो रही है। बाकी मौसम ने भी अपना रंग बदल दिया है, ये काले काले बादल दिखाई और छा गए। कभी भी बारिश हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसे ही हम अंदर पहुंचे ना, उमस भी उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। पंखा चलाओ तो, बारिश कहानी। मैंने ठीक टाइम पे भी पहुंच गए हम, 1:10 में गए थे, 1:15 में गए थे हम शायद, ऐसे ही गए थे। देखा टाइम पर खाना, टाइम पर वो, टाइम पर वो। सोने से भी तो आलस आता है ना शरीर में, तभी सोना नहीं चाहिए। सोना तो मतलब आदमी ना, आदमी को ना जो जिस आदमी को नींद प्यारी होगी ना, वो उस आदमी को नींद ले डूबेगी, पता है ऐसा होता है। सोने से हमको ही लॉस होता है, तो इससे अच्छा है अपनी नींद को त्यागो और अपने संघर्षों के ओर बढ़ो ना। क्या मैं, क्या आप, सच में कह रही हूँ। आप अगर नींद सोओगे नहीं दिन में, तो आपके लिए आपका शरीर आपको ही बेनिफिट मिलेगा। हस्बैंड जी जा रहे हैं अब दुकान में, और मैं जाऊंगी गौशाला चाची लोगों की गाय का दूध निकालना है ना, मतलब आप लोगों को पता ही है, तो वो काम करना है। अभी तो 3 बज रहे हैं, तो मैं आधा घंटा किताब पढ़ती हूँ, 3:30 बजे जाऊँगी, फिर उसके बाद हाथ पाथ लगा के फिर और किताब पढ़ूँगी 5:30-6 बजे तक। फिर सब्जी वब्जी काटना, फिर वही खाना वाना बनाना, फिर इनका आना, और फिर हमने खाना खाना, बस दिन ख़त्म। तो चलो फिर मिलते हैं अब सीधे शाम को 6 बजे। मैंने पहले ही बता दिया मैं क्या करूँगी, हाथ लगाऊंगी मतलब दूध निकालूंगी, और उसके बाद पढ़ूंगी, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद में मिलूंगी मैं, जब सब्जी वब्जी काटूंगी। तो चलो फिर। तो अभी गाइस टाइम हो गया है, ये चेक करो दिख रहा है टाइम, मैं दिखाती हूँ, दिख रहा है टाइम कितना हो गया, इतना टाइम हो गया। यार आज पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कब टाइम 7:15 हो गया भाई। अभी मैंने सब्जी वब्जी नहीं काटी है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब मैं पढ़ने में थी आज। मतलब जब से मैं वहाँ से आई ना, मैंने कहा था कि हाँ
पढ़ती हूँ अब करके, तो उसके बाद से ना मैं पढ़ने में ही थी और कितना टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आज आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गया। मतलब और दिनों ना पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगता था, लेकिन आज बहुत अच्छा मन लगा पढ़ने में। तो अभी टाइम हो रहा है, जैसा कि मैंने दिखा दिया, 7:15। तो आज ना मैंने पॉलिटी के कुछ नोट्स बनाए। ये मेरी हैंडराइटिंग ना ऐसी है, बेकार सी, तो आप लोग इंसल्ट मत करना मेरी हैंडराइटिंग की। तो चलो फिर, आज तो टाइम बहुत हो गया है, 7:05 बाकी हैं अब। और मैंने सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं करा है, तो फटाफट से करती हूँ, जाती हूँ नीचे। अब शायद से अभी वो ब्लॉग कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखूँगी। अगर शूट कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर सब्जी काटनी है, सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है, बर्तन धोने हैं और रोटी बनानी है। तो फिलहाल अभी गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और टाइम हो गया है 9:30। तो अब मैं अब हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि आज ना बहुत थकान हुई है और पैर ऐसे दर्द कर रहा है ना, क्या बताऊँ, अब पता ही नहीं सकती मैं कैसे दर्द कर रहे हैं। तो चलो फिर आज के ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हिमा मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।